हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। दोस्तों, अगर आपने भी यूट्यूब पर आने का माइंड सेट कर लिया है, आपको यूट्यूब पर काम करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर 5 पॉइंट ऐसे शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो आपके चैनल की ग्रोथ बढ़ाने में 100% हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना। तो ऐसे कौन से 5 पॉइंट हैं जिन पर मैं आज बात करने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चैनल नेम। ठीक है, यहाँ पे हमें अपने चैनल का जो नेम है वो थोड़ा यूनिक रखना है। ऐसा नेम रखना है कि जो सामने वाले को तुरंत याद हो जाए। जैसे मेरे चैनल का नाम है दैन टेक, आई होप कि आप सभी को याद हो गया होगा। बहुत सिंपल नाम मैंने अपने चैनल का रखा है। आप भी इस तरीके से अपने चैनल का नाम रख सकते हैं, और आप ये मिस्टेक मत करना जो बाकी के यूट्यूबर करते हैं कि बड़े यूट्यूबर के नाम की कॉपी करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि टेक्निकल गुरुजी का चैनल चल रहा है यार, उनके नाम को कॉपी अगर हम बनाएंगे तो हमारा चैनल भी चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपके 100 सब्सक्राइबर होंगे, टेक्निकल गुरुजी के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं। अगर कोई भी बंदा आपके चैनल को सर्च करेगा तो आपका चैनल नहीं आएगा, उस जगह टेक्निकल गुरुजी का आएगा, और इससे हमारे जो सब्सक्राइबर होंगे या व्यूवर होंगे उनको हम लॉस्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें थोड़ा यूनिक नाम देना है अपने चैनल को, और ऐसा नाम देना है जिससे सामने वाले बंदे को याद हो जाए। सेकंड पॉइंट की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, चैनल कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, हमें एक स्पेसिफिक नीश को डिसाइड कर लेना है, हमें एक स्पेसिफिक नीश पे काम करना है। ये नहीं कि आज हमने इंटरटेनमेंट की वीडियो डाल दी, कल हमने टेक की वीडियोस डाल दी, परसों हमने कुकिंग की वीडियोस डाल दी अपने चैनल के ऊपर। तो ऐसा हम करेंगे तो यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो ठीक से समझ नहीं पाएगी कि आखिर ये बंदा किस कंटेंट पर वीडियोस बनाता है। ठीक है, और इससे हमारे चैनल की जो ग्रोथ होगी वो हो नहीं पाएगी। हम जिस मोटिव से आए हैं यूट्यूब के ऊपर, उसी चीज़ पे हमें कंटेंट बनाना है। अब कंटेंट कैसे डिसाइड करना है, कंटेंट हमें इस तरीके से डिसाइड करना है, जैसे मैं बनाता हूँ टैग वीडियोस, रिव्यूज वीडियोस, अनबॉक्सिंग वीडियोस अपने चैनल के ऊपर, और सोशल मीडिया की जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो आपको भी कुछ इस तरीके से ही अपने कंटेंट को डिसाइड कर लेना है। जैसे आप कुकिंग चैनल बनाते हैं, कुकिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन पर वीडियोज़ बनाओ। ठीक है, और इसी तरीके से आप डिसाइड कर लो कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उस चीज़ पे कंटेंट बनाओ अपना। आई होप कि ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप समझते होंगे कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है और हम किस कंटेंट पे अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो अपनी एक नीश डिसाइड कर लो जिस पर आपको वर्क करना है। थर्ड पॉइंट की मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, प्लान योर कॉन्टेंट। हमें अपने कॉन्टेंट को प्लान करके बनाना है। अब प्लान कैसे करना है, हमें शुरू में 10 वीडियोस जो भी बनानी है उन्हें नोट कर लेना अपनी कॉपी के ऊपर, या हमारे माइंड में कोई भी नया कंटेंट आता है तो हमें तुरंत नोट करना है अपनी कॉपी के ऊपर। क्योंकि हम कॉपी के ऊपर जब नोट करके उस कंटेंट को बोलेंगे तो हम जितनी अच्छी नॉलेज दे पाएंगे सामने वाले व्यूवर को, उतने ज़्यादा व्यूवर हमारी वीडियोस के ऊपर विजिट करेंगे, और जिन व्यूवर्स को हमारी वीडियो पसंद आएगी वो हमारी अगली वीडियोस को भी वॉच करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने कंटेंट को प्लान कर लेना, अगले 10 दिन की वीडियोस हमें डिसाइड कर लेनी है कि कौन सी वीडियोस पे हम काम करने वाले हैं। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप अपने 10 दिन की वीडियोज़ जो हैं वो बना लो पहले। अगर आप बना लेते हो 10 दिन की वीडियोस, तो आपके पास ये नहीं होगा कि यार अब मैं अगले दिन कौन सी वीडियोस बनाऊं। ठीक है, क्योंकि चैनल बनाने में यहाँ पे टाइम नहीं लगता है। चैनल 5 मिनट का काम है बनाना, उसके बाद लगातार वीडियोस बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप 10 दिन की वीडियोस आप बना लेंगे, उनको थंबनेल बना के सेट कर लेंगे, एडिट करके रख लेंगे, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, और ये नहीं कि आपने अगर 10 वीडियोस बना ली तो लगातार एकदम से अपलोड कर दो, नहीं। एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर लो कि आप एक हफ्ते के अंदर कितनी वीडियोस डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप एक हफ्ते के अंदर सिर्फ एक वीडियोस डाल सकते हो तो एक वीडियोस डालो, ज़्यादा वीडियोस अपलोड मत करो, और अपना एक जो टाइम है उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड करो। ये नहीं कि आपने अगले 5 दिनों में लगातार 5 दिन वीडियो अपलोड कर दी और उसके बाद 5 दिन 10 दिन का गैपिंग हो रही है, तो वहाँ पे आपके चैनल की जो कंसिस्टेंसी होती है वो टूटती है, और उस वजह से चैनल की ग्रोथ नहीं हो पाती है। 99% लोगों के साथ ये ऐसा होता है। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ, नेसेसरी इक्विपमेंट। आपको कौन से इक्विपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है,
अब देखिए, अगर आपका बजट है तो आप अपना कैमरा DSLR परचेस कर सकते हैं, जो कि 40 से 50,000 की रेंज में आता है। और अगर आपका बजट नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, अगर आप ले सकते हैं तो भैया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि YouTube के ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जिसकी वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है उसे YouTube ज़्यादा प्रमोट करता है, ठीक है। तो अगर आपका बजट है तो आप परचेस कर सकते हैं, अगर आपका बजट नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप पहले इस फील्ड में इंटरेस्ट बनाओ, ये नहीं कि आपने YouTube पर आ गए और आपने 50,000 का DSLR खरीद लिया और उसके बाद आपका 5 वीडियो 10 वीडियो या 1 महीने 2 महीने काम करने के बाद दिल नहीं कर रहा है और आप YouTube छोड़ रहे हैं, उसके बाद आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आपको DSLR परचेस नहीं करना है, पहले इस फील्ड में इंटरेस्ट बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो इक्विपमेंट ज़रूरी है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला तो हमारा स्मार्टफोन हो गया, तो स्मार्टफोन तो यार आप लोगों को पता ही, आजकल हर इंसान के पास स्मार्टफोन है जिसके अंदर 8 से 10 मेगापिक्सल 15 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफकोर्स होगा। हमें यहाँ पे अपने स्मार्टफोन का ही इस्तेमाल करना है वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। चाहे हम ब्लॉगिंग करते हो, चाहे हम कुकिंग वीडियोस बनाते हो, चाहे हम टैग वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ गया हमारा ट्राइपॉड। ट्राइपॉड भी 500 रुपये तक की रेंज में मिल जाएगा आपको, नॉर्मल ट्राइपॉड 500 रुपये की रेंज में आ जाता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी इक्विपमेंट आपको परचेस करना हो आप कर लेना, ठीक है। तो 500 रुपये तक का आपका ट्राइपॉड आ जाएगा। सेकंड जो इक्विपमेंट है वो है बोया BY-M1 माइक। ये माइक आप परचेस कर लेना, ज़्यादातर यूट्यूबर, ज़्यादातर की मैं बात करूँ यहाँ पे सभी यूट्यूबर इसी माइक का इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये 700 से 900 रुपए की रेंज में आपको पड़ जाएगा, क्योंकि जब मैंने परचेस किया था तो ये 900 रुपए का मुझे पड़ा था, लेकिन आपको 700 रुपए 800 रुपए के समथिंग में पड़ जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, बोया BY-M1 माइक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये 1 ईयर की गारंटी में आता है और बहुत सारे सेलर फेक माइक बेच रहे हैं। आप किसी भी अननोन पर्सन से ऐसे माइक परचेस ना करें, कहीं आप फेक माइक परचेस कर लें और आपका नुकसान हो, ठीक है। जो सेकंड इक्विपमेंट हमारा आता है वो आता है बैकग्राउंड, ठीक है। अब बैकग्राउंड में या तो आप ग्रीन स्क्रीन परचेस कर लीजिए। ग्रीन स्क्रीन अगर आपको यूज नहीं करनी है तो कोई दीवार हो तो उसके सामने भी आप वीडियोस बना सकते हो, जिसका ठीक ठाक सा एक बैकग्राउंड वीडियो के अंदर आए। इसके बाद जो इक्विपमेंट की मैं बात कर लूँ वो है लाइटिंग। लाइटिंग हमारे सेटअप पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप नेचुरल लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा नेचुरल लाइट का ही इस्तेमाल करता हूँ। मैंने लाइटिंग में पैसे डाले थे लेकिन लाइटिंग यार काम नहीं बन पाया लाइटिंग में, तो यार मैं नेचुरल लाइट का ही इस्तेमाल करता हूँ। अभी मैंने लाइटिंग का कोई भी सेटअप यहाँ पे नहीं लगाया है, ठीक है। तो आप भी मेरी तरह नेचुरल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लाइटिंग में पैसे ना डालें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के मैं बात कर लूँ, जो भी इक्विपमेंट हैं वो आपके 1000 से 1500 की रेंज में आ जाएंगे। आप माइक ज़रूर परचेस कर लेना, ठीक है, क्योंकि जो साउंड क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे। अगर आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपकी वीडियोस को कोई भी वॉच नहीं करेगा। अब जो पांचवा पॉइंट आता है वो आता है प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे खुद को आपको तैयार करना है। तैयार करने से मैं बता दूँ, आपको अच्छी वीडियो एडिटिंग सीखनी है, आपको अच्छी थंबनेल बनानी सीखनी है, आपको वीडियो को कैसे अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें सीखनी है, और ये आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो आप खुद को प्रिपेयर्ड कीजिए वीडियोस बनाने के लिए। और जो लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सेटअप करना। जब हमारी ऑडियंस इंक्रीज होना शुरू होती है तो हमें अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक दूसरे प्लेटफॉर्म से लिंक कर लेना है। इससे होगा क्या, हमारी जो फेसबुक की ऑडियंस होगी वो यूट्यूब पर जा सकेगी, और जो यूट्यूब की ऑडियंस होगी वो हमारे फेसबुक पर आ सकेगी और इंस्टाग्राम पर आ सकेगी, जिससे हमारी ऑडियंस यहाँ पे कनेक्ट हो सकेगी हमसे, ठीक है। और मैं बता दूँ यहाँ पे, अगर हमारी ऑडियंस हमसे कनेक्टेड है, हमारा जो नेटवर्क है वो अच्छा है, तो हमारे चैनल की ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए